हर हाल में आज लेना था और वही डिसीजन आज चरण सिंह चन्नी के नाम से लिया गया है। ये सीधी तस्वीर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जरा देखते हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर। मैं एक मिनट ही बोलना जे तुम चुप करोगे ना। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी की लैजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे MLA साहबान ने सर्वसम्मति कांग्रेस पार्टी के सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब न अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सहु चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरामनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद ऐसी साढ़े पार्टी के प्रधान साढ़े लीडर साहबान तुहानू सारयां नू संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। तो कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि हमने जो है गवर्नर से मुलाकात की है और ये बात तय हो गई है कि कल सुबह 11 बजे हलफ बर्दारी तकरीब मुनाकिद की जाएगी, जिसके अंदर ये देखना बेहद अहम होगा कि जो कैबिनेट है उसके बारे में क्या कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल कल 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान। और कल जिस तरीके से बीते हुए कल में जब 5 बजे जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर तमाम जो अराकीन असेंबली है वो मौजूद थे और सभी लोगों ने जब इत्तेफाक राय उनकी बनी है तो उसमें ये नाम निकलकर सामने आया है। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कल CM ओहदे का हलफ लेने वाले हैं, इस बात को सीधे तौर पर अब खुद आकर कहा गया है। और साथ में हमने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल शाबाश, नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ में मौजूद थे और चेहरे की मुस्कुराहट नवजोत सिंह सिद्धू की बता रही थी कि कहीं ना कहीं वो खुश है, क्योंकि जब से ही नवजोत सिंह सिद्धू को सदर बनाया गया कांग्रेस पंजाब कांग्रेस का, उसके बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरह से तल्खी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसमें बहुत बड़ा हाथ नवजोत सिंह सिद्धू का हो सकता है। और लगातार जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट है वो बता रही है कि वो खुश हैं चरणजीत सिंह चन्नी को वजीर आला का ओहदा दिए जाने से। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को मुबारकबाद पेश की है, अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके का रिएक्शन देंगे और किस तरह से वो पार्टी से जुड़े रहेंगे और किस तरह से वो काम आने वाले वक्त में करते रहेंगे पंजाब की आवाम के लिए। कल से ही लगातार उथल पुथल का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब की सियासत में और आज ये बड़ी खबर के चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो अब CM होंगे पंजाब के।